गठबंधन की राजनीति यूज एंड थ्रो की राजनीति है इसमें लंबे समय तक कोई गठबंधन नहीं चल सकता वैसे तो चले हैं महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का पंजाब में भाजपा और अकाली दल का व हरियाणा में भाजपा इनेलो का लेकिन अब नई राजनीतिक पारी में दोनों राज्य में भाजपा पुराने दलों के साथ गठबंधन में नहीं है पंजाब में अकाली दल से और हरियाणा में इनेलो से अब भाजपा का कोई रिश्ता नहीं रहा महाराष्ट्र में तो इतना ही हुआ था कि शिवसेना ने आधे कार्यकाल का मुख्यमंत्री पद देने की मांग रखी थी जिसे भाजपा ने अपने अहंकार में मानने से साफ इनकार कर दिया और अजीत पवार के साथ आधी रात को सरकार बना ली जो विश्वास मत का सामना भी ना कर पाई फिर ये लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन टूट गया शरद पवार ने धुर विरोधी शिवसेना व कांग्रेस को एकजुट कर अघाड़ी सरकार बना दी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसे पचा नहीं पाए और आखिर अढ़ाई साल बाद शिवसेना से एकनाथ शिंदे को तोड़कर न केवल शिवसेना कांग्रेस व एनसीपी की आघाड़ी सरकार गिरा दी बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कद भी इतना कम कर दिया कि एक नाथ शिंदे ही असली शिवसेना के स्वामी माने गए इस तरह जो गठबंधन सरकार बनी उसमें भी तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और रिश्ते की गांठ ढीली पड़ने लगी है यहां तक कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शिंदे के साथ मंच भी साझा करने में संकोच करने लगे हैं कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक विज्ञापन है जिसमें शिंदे को उप मुख्यमंत्री फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया और जिस पर भाजपा सांसद अनिल ने कहा कि मेंढक कितना भी फूल जाए लेकिन कभी हाथी नहीं बन सकता इस तरह अब महाराष्ट्र में गठबंधन में कड़वाहट आने लगी है ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात होने जा रही है इसी तरह अपने हरियाणा में भी भाजपा जसपा गठबंधन भी उसे दिन से चर्चा में है जब से भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि उचारा से तो उनकी दीदी प्रेमलता ही विधायक बनेगी बस इस बयान ने जसपा के संस्थापक व पूर्व सांसद अजय चौटाला को गुस्सा दिला दिया और वे भी बोले कि कुछ हो जाए दुष्यंत चौटाला उचारा से ही अगले विधानसभा में जसपा प्रत्याशी होंगे बेशक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस गठबंधन के जारी रहने के दावे कर रहे हैं लेकिन जिस भाषा में विप्लब बयानबाजी कर रहे हैं वो कब तक इस गठबंधन को बनाए रखेगी कह नहीं सकते उन्होंने पलट कर यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन कर कोई एहसान नहीं किया सत्ता सुख भोगा है इस तरह यह गठबंधन की राजनीति धीरे धीरे यूज एंड थ्रो की ओर बढ़ती दिख रही है एक समय कांग्रेस ने भी अनेक व केंद्र में ऐसे कदम उठाए जिससे सरकारों का पतन हुआ। खासतौर पर चंद्रशेखर की सरकार चार महीने में ही गिरा दी अनेक राज्यों में गठबंधन तोड़कर राज्य सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम है अब नए नए साथी तलाश किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार बसपा प्रमुख मायावती ने भी भाजपा को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया था इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं अब हरियाणा और महाराष्ट्र में चल रहे गठबंधनों के भविष्य पर सबकी निगाहें टिकी हुई है ए न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की रिपोर्ट